कहते हैं इसे चूड़ियों का शहर। पिछले चुनाव में थी बीजेपी की लहर, किसको चुभेगा फिरोजाबाद का कांच, तपती भट्टी की यहाँ किसको लगेगी आंच। यहाँ की चूड़ियाँ भी हैं राजनीति के रंगों से सराबोर, किस दल को मिलेगी शाम और किसकी हो जाएगी भोर। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोहीवाल, आज की चुनाव यात्रा फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा और 1993 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यहां से जीत हासिल करके लखनऊ में शपथ भी ली थी। लेकिन इस बार आपसी बगावत की वजह से समाजवादी पार्टी के क्या हैं हालात और क्या बीजेपी इस बार फिर से जीत पाएगी इस पूरे जिले में, बताएंगे आपको चूड़ियों की खनक से कि आखिरकार क्या हो रहा है फिरोजाबाद में। चलिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा। फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने में घंटों लग जाते हैं और तोड़ने में कुछ सेकंड, लेकिन फिरोजाबाद की चूड़ी बनती कैसे है ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 1200 डिग्री सेल्सियस वाले इस भट्टी में पहले केमिकल को रखा जाता है और उसके बाद उसको कांच बनाया जाता है। कांच बनने के बाद 24 घंटे चलने वाली इस भट्टी में जब उसको रखा जाता है और फिर इस तरह से डंडों से बार बार निकाल कर उसे एक शेप यानी कि आकार दे दिया जाता है। फिरोजाबाद में एक दिन में जानकर ताज्जुब होगा कि 10 करोड़ चूड़ियां बन जाती हैं। ऐसी करीब 100 फैक्ट्रीज हैं जहां पर लगातार काम होता है। संदीप जैन जी हमारे साथ हैं, क्या खासियत है फिरोजाबाद की चूड़ियों की और अभी कितने लोग जुड़े हैं? देखिए, फिरोजाबाद की खास बात ये है कि चूड़ी उद्योग सिर्फ पूरे भारत वर्ष में फिरोजाबाद में ही है। रॉ मटेरियल बाकी सारी चीजों के मूल्यों में कुछ अंतर आया है? देखिए, पिछले सालों में कोरोना की वजह से चूड़ी की बिक्री में बहुत बड़ा फर्क आया है, क्योंकि मेले दशहरे ब्याह शादी में चूड़ी बिकती है, वो कोरोना की वजह से बंद है। फिरोजाबाद में करीब 10 लाख लोग लगातार इसी बिजनेस से, इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं और आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कम से कम इसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। तापमान तो बढ़ रहा है लेकिन क्या उसके साथ साथ इनकी बिक्री भी बढ़ेगी, इसी का इंतजार है। चूड़ियों के मार्केट में सबसे ज्यादा रंग कौन सी पार्टी का चल रहा है, कौन से दल का जोर ज्यादा है? यहाँ समाजवादी का जोर है, आंधी चल रही है समाजवादी की। क्या कारण है इस बार? कारण ये है कि जब से है ना ये तो नोटबंदी हुई, फिरोजाबाद के कारोबार की मिट्टी खराब हो गई। फिरोजाबाद की हाल ये है व्यापार का मैम, जो 100 से ऊपर कारखाने चलते हैं इस टाइम, कुल 15 कारखाने चल रहे हैं शहर में, ये हालत है बिल्कुल। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, इनकी छनछन और खनखन पूरे विश्व में गुंजायमान होती हैं। लेकिन इस बार राजनीति के अखाड़े में भी ये चूड़ियां अपनी खनक पहुंचा रही हैं। अंशुल गुप्ता हमारे साथ हैं। अंशुल जी, राजनीति के माहौल में इन चूड़ियों का नाम ऐसा क्यों पड़ गया? क्योंकि चुनाव की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चूड़ियों की डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, तो इसका नाम है मोदी सरकार। इस डिजाइन का नाम है माया राज, इसका नाम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस डिजाइन का नाम है अखिलेश भैया, ये है भाईजान के नाम से। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ इस समय पे चल रही हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत इसको रखा भी गया है, क्या उससे कोई फर्क आया है, कोई फायदे हुए हैं? ये और भी अच्छा हो सकता था, ODOP और भी अच्छा हो सकता था, अगर जैसे यहाँ पर हम लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग नहीं हो पाती है। चूड़ियों को आप गानों में अगर कह दें तो चूड़ी नहीं मेरा दिल है, और या फिर ये कह दें कि चूड़ी जो खनकी हाथ में, लेकिन याद किसकी आएगी। हालांकि इन सारे राजनीति के रंगों में एक चूड़ी है जिसपे सब रंग चढ़ा है, यानी कि इस चूड़ी पर, और इस चूड़ी पर सारा रंग इसलिए चढ़ा है क्योंकि ये है वोटर का रंग। विश्व में अगर सबसे ज्यादा कोई रंग की चूड़ियां चलती हैं, खास तौर से भारत में, तो वो है लाल रंग की। लाल रंग की चूड़ी का अपना एक क्रेज है, अपना एक शौक है, और लाल रंग क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुहागन का रंग है, ऐसे में सबसे ज्यादा भारत में महिलाएं यही पहनती हैं। जो लोग काम करती हैं, खास तौर से वो महिलाएं जो इस महीन काम को करती हैं और घंटों इसमें जुटी रहती हैं, वो हमारे साथ हैं। जब आप यहाँ काम करती हैं तो इस बार चुनाव के मुद्दे आप लोगों के लिए क्या? समाजवादी पार्टी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, ऐसी बात नहीं, हम वोट देते हैं तो सरकार कुछ तो लाभ देगी हमको, ऐसी बात नहीं देगी। ABP News आपको रखे आगे।